हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, अपने आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में दिया गया पांचवा पाठ, जिस पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी मतलब निराली दुनिया, या लेखक ने हमें इसमें किसके बारे में बताया है? चिट्ठियों की एक निराली यानी अलग दुनिया के बारे में बताया है। इस पाठ के लेखक है श्री अरविंद कुमार सिंह। तो जैसा कि आप सबको शीर्षक पढ़कर पता चल गया है कि पाठ किसके विषय में है, चिट्ठियों के विषय में। चिट्ठियों को हम पत्र भी कहते हैं, खत भी कहते हैं, या जिस तरह इसके अलग अलग नाम है, इसी तरह इन चिट्ठियों को लिखने को भी अलग अलग कारण होते हैं। चिट्ठियों का प्रयोग, हालांकि आजकल के समाज में हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे घटता जा रहा है। आज चिट्ठियों का इतना प्रयोग नहीं किया जाता जितना कि पुराने समय में किया जाता था। अच्छा, आप सबको तो ये पता ही है कि चिट्ठियों का प्रयोग पुराने समय में क्यों किया जाता था। एक जगह से दूसरी जगह जब कोई संदेश भेजना होता था तो चिट्ठियों का प्रयोग किया जाता था। आजकल के ये सारा काम हम क्या करते हैं, मिनटों में करते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेट के मदद से। आजकल बहुत सारे ऐसे उपगम आ गए हैं, इनके द्वारा हम अपनी मन की बातें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी पहुंचाते हैं। जैसे आजकल व्हाट्सएप है, आपके पास SMS सर्विस है, इसके अलावा फेसबुक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी सोशल नेटवर्क है। इनके द्वारा हम बहुत सारे दोस्त बना सकते हैं, दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पुराने लोगों से पूछते हैं, आपकी मम्मी या आपकी दादी है ना, जो पुराने ज़माने के लोग हैं, यानी आपसे एक पीढ़ी पहले के लोग हैं, अगर आप उनसे चिट्ठियों के बारे में पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि जितनी खुशी प्रसन्नता उन्हें होती है, उन्हें आजकल के जो ये संसार में मिलती है, क्योंकि चिट्ठी पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता था। क्या आपको पता है, पहले से जब कोई व्यक्ति घर से जाता था, जब कि वो शहर से बाहर चला गया, किसी रिश्तेदार के घर चला गया, तो सबसे पहले काम उनको पहुंचने से क्या करना पड़ता था, उसे सबसे पहले अपनी कुशलपूर्वक पहुंचने की एक उसे चिट्ठी लिखकर अपने घर में लिखकर भेजनी होती थी, और घर वालों को ना इंतज़ार रहता था कि एक हफ्ते के अंदर ये बातें आनी चाहिए या 3-4 दिनों में पता चल पाएगा कि हमारे घर से जो भी गया है वह ठीक तरह से पहुंचा था या नहीं। चिट्ठियों की समय में लोगों के मन में क्या होता था, धैर्य या फिर एक प्रकार की सहनशीलता की भावना रहता था। उनके अंदर ये भाव अभी तक भी था कि अगर व्यक्ति गया है वह ठीक ही होगा जब तक उसका खत ना आ जाए। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हो गया है कि ये जो फिक्स सर्विस यानी जल्दी से खबर मिलने की ये सेवा शुरू हो गई है, चाहे फ़ोन, चाहे व्हाट्सएप, इंटरनेट पर, तो लोग पूरे समय परेशानी में रहते हैं कि कोई घर से निकला है तो मम्मी आपको बार बार फ़ोन करके पूछती है कि अभी तुम कहाँ पहुँचे हो, अभी तुम कहाँ पर हो, तुम किस जगह पर हो, और उन्हें हर पल आपकी चिंता रहती है।
तो चिट्ठियों के ज़माने की ये एक बहुत अच्छी बात थी कि लोगों के अंदर धैर्य और सहनशीलता की भावना बहुत पर्याप्त मात्रा में थी। और आजकल के लोगों में जो इतना धैर्य विचार वंचित हो गया है, इसका एक कारण है ये भी है कि संसार के साधन है जो ज़्यादा विकसित हो गए हैं। हालांकि इन साधन की फायदे भी बहुत है, क्योंकि मिनटों में वो काम हो जाता है, वो पहले सदियों लग जाते थे या बहुत महीने लग जाते थे। तो इसके फायदे तो है, लेकिन नुकसान भी है। तो इसी तरह इस पाठ में लेखक पत्रों की अजीबोगरीब दुनिया के बारे में बात करना चाहता है और हमें ये बताना चाहता है कि भले ही संसार के बहुत सारे नए ऐसे साधन विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन चिट्ठियों की जिनको कि अब हम ओल्ड फैशन या पुराना सोच के साधन भी समझने लगते हैं, उतनी ही मेहनत महानता बरकरार है। और हमें उनके इस महत्ता को ज़रूर जानना चाहिए। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं, जो बहुत रोचक है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे विषयों के बारे में आपको जानकारी दी गई है, जो आपके साथ साझा करेंगे। जबकि इस पाठ को पढ़ेंगे, कई ऐसी जानकारियां हैं जिनके बारे में आपको बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। तो आइए पाठ को शुरुआत करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीब व गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं है कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो यहाँ पे लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं, पत्रों की दुनिया बहुत अलग है, अजीब है। अजीब मतलब दुनिया से थोड़ा हटकर। अजीब और गरीब बोलचाल की भाषा का एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक ने क्या कहा है, लेखक ने यह कहा कि आजकल की दुनिया क्या है, बदली हुई है। वो जो पत्र को जो हम पत्र पत्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता है, क्योंकि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस या संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू कर देते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में भी वह तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र द्वारा हमें क्या करते हैं, मिलती है। तो दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता की विकास भी इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो यही इस पाठ में लेखक कहना चाहते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्रों का भाव सब जगह पे क्या है, अलग अलग है। जैसे उनके अलग अलग नाम भी है, तो नीचे उनके कुछ नाम दिए गए हैं बच्चों, वो देखिए कि उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत भी लिखा जा सकता है, संस्कृत में पत्र लिखता है, कन्नड़ में कागज लिखते हैं, तेलुगु में उत्तरम लिखते हैं, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ी कहा जाता है। तो पत्र ये पत्र के नाम है बच्चों। तो पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। पत्र हम क्या कहते हैं, यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। पत्रों को क्या बच्चों, हम सजोग कर भी लिखते हैं। इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं लेखक, कि पत्रों को हम क्या सजोग कर भी लिखते हैं और पत्र वो लेखन कला भी है। तो यह हर एक पत्रों का अपना दायरा है। तो दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे के तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते। दुनिया भर में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में पत्र डाले जाते हैं, डाक सेवा
में की तरह वह डाले जाते हैं, तो अनेक ठिकाने तक वह पत्र पहुंचते हैं। तो भारत में ही रोज़ कितने 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाते हैं, कितने 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाते हैं, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत है। यहाँ पर बच्चों हमें साबित होता है कि पत्र की अहमियत, पत्र की कीमत कितनी महत्व है। जितना SMS, जितना जैसे कि फ़ोन, व्हाट्सएप, इससे महत्व नहीं है, उतना पत्र के द्वारा हमें, पत्र की चिट्ठियों के द्वारा हमें बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं, तो ये पंडित जवाहरलाल ने सही ही कहा है। उसके बाद पहिए आए, उसके बाद क्या आए, पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। और उसके बाद पहिए आए, रेलवे और तार से भी बहुत सारा बदलाव आया। उसमें तार ने रेलों से भी तेज गति की संवादना की, तार ने तो रेलवे से भी तेज गति संवादना की और पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन और वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। और अभी क्या, टेलीफोन आ गए, वायरलेस आ गए, और अभी आगे से वह दुनिया जल्द से जल्द बदलती जा रही है। तो पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था, और डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए, और पत्र संस्कृत के विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया जाता था, और उसमें भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में प्रयास चले, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया था। तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या कहा है कि यहाँ पे जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूली जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्यक्रम रहते हैं, तो उसमें पत्र लेखन आते हैं, तो बच्चों को लिखना रहता है। हर एक विषय पे एक वो क्या, पत्र लेखन एक स्कूल में रखा जाता है। और भारत ही नहीं, दुनिया भर में ऐसे कई सारे देशों में प्रयास चालू है, पूरे विश्व में ये प्रयास चालू रखे हैं। तो इसी तरह जो जैसे कि विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए हैं, विश्व डाक संघ की ओर से जो 16 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए एक पत्र लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। और यह सिलसिला कब शुरू किया गया बच्चों, यह सिलसिला 1972 से शुरू किया गया था। आगे देखिए, यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहते हैं कवि, लेखक क्या कहते हैं कि यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों में महानगरों में संचार साधनों से तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रहे। लेकिन वो जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, ये किसके ऊपर आज भी चल रही है, पत्रों के चिट्ठियों के ऊपर से भी चल रहे, क्योंकि हमारा जो हम कहीं पे भी वो इंटरव्यू देते हैं, उनका अपॉइंटमेंट लेटर आता है, या वो जो दूसरे जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर जो कुछ लेटर आते हैं, तो वो लेटर घर पर आता है, पत्र द्वारा आता है, वो फ़ोन द्वारा नहीं कहा जाता है, तो वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा वह चिट्ठियाँ घर तक भेजते हैं। तो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। अब देखिए, जो चिट्ठियाँ पहले आती थी उनको अभी किसने रखा है, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने इन चिट्ठियों को अभी तेज़ी से रोक दिया है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़े है, लेकिन इसमें जो व्यापार है, व्यापारिक डाक की संख्या क्या हो रही है बच्चों, व्यापारिक संख्या वहाँ पे बढ़ रही है, लगातार संख्या बढ़ रही है। तो जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तरह तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हुआ। इस पैराग्राफ में लेखक क्या कहना चाहते हैं बच्चों कि जहाँ तक पत्रों का सवाल है कि अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जिन्होंने कभी किसी को पत्र लिखा ही नहीं होगा। हर एक व्यक्ति ने पत्र लिखा है तो, और पत्र का हम क्या कहते हैं, बेसब्री से इंतज़ार करने लगते हैं,
तो हमारे सैनिकों तो अभी जैसे कि हमारे सैनिक वो बॉर्डर पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, पत्रों का उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, घर घर से कब हमारी मेरी चिट्ठी आएगी, ऐसे वो घर के वो उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं। उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का ही इंतज़ार करते थे, एक ज़माना ऐसा था कि लोग क्या करते थे, पत्रों का इंतज़ार करते थे। पर अब वह बात नहीं, अभी वह पूरा यह पूरी बात बदल चुकी है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी, अभी परिवहन साधनों के वजह से वह दूरी बहुत अभी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। अभी पहले के ज़माने लोगों का संचार का साधन एक क्या था, एक चिट्ठी ही थी। लेकिन आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज और भी बहुत ज़्यादा साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजोकर विकसित विरासत के रूप में रखे हुए हैं। देखिए आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो जो चिट्ठियाँ आते हैं वो क्या करते हैं, पहले के ज़माने के और आज के वो चिट्ठियाँ सजोकर रखते थे। तो इसी तरह वह चिट्ठियों को सहज और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों को महीनों इंतज़ार करते थे, एक ऐसा ज़माना था कि लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार कर रहे थे। पर अब वह बात नहीं, परिवहन साधनों ने के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो गए। बहुत सारे साधन विकसित हो गए हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आप पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजोकर विरासत के रूप में ले सकते हैं। आज देश में ऐसे लोग की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक पत्रकारों को अध्यमी कवि प्रशासन सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े पत्रकारों हैं, वो कवि है, प्रशासक है, सन्यासी है या किसान है, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया है लेखक ने कि आज जैसे संचार साधन होते तो पहले जो जैसे संचार साधन तो पंडित नेहरू जी क्या करते, अपनी पुत्री को फोन करके अपने हालचाल पूछते, अपनी बेटी के हालचाल पूछते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते थे, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पत्रों को तो हम क्या कहते हैं बच्चों, सहज कर रखते हैं, लेकिन SMS द्वारा जो संदेश आते हैं वो हम क्या कहते हैं, जल्दी से वो हम भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं, तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र है। जो महान लोग हैं, जो हस्तियां हैं, उनके द्वारा जो लिखे गए यादगार धरोहर के उनके यादगार द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। भारत में किसको आगे रखा जाता है, इस श्रेणी में महात्मा गांधी को आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमान है। तमाम पत्र जो है देश काल और समाज को जानने समझने का असली क्या है, पैमान है। तो भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए थे।
तो इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। तो देखिए, भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वह आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक तक बन गए। वो अंग्रेजों ने अपने परिवारों के लिए क्या वो पत्र लिखे थे, वो एक बहुत बड़े आज क्या बन गए हैं, एक पुस्तक बन गई है, उनके ऊपर एक पुस्तक बनाई गई है। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुए है। तो हमें जो पहले के ज़माने में जो हुआ, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो हुआ, वो आज हमें बहुत सारा सीखने के लिए मिलता है।